प्रधानमंत्री जी सरकार के ओर से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है सरकार ने कि एक तो मोदी जी हमेशा प्रचार में ही तल्लीन रहते हैं और जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो उसमें से ये एक उन्होंने निकाला था। हमने उसको जवाब भेजा है, सरकारी अफसरों को फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको एक किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रत प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है तो वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि जिसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इनकम टैक्स को नहीं छोड़े हैं, फौजी को नहीं छोड़े हैं, गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है उन सबको यानी जॉइंट सेक्रेटरी से लेके सभी ऑफिसर जो भी है उनको इन्होंने काम दिया है कि आप हर जगह जाओ और रथ यात्रा निकालो और लोगों को बताओ जो सरकार के कामकाज क्या है। सरकार का कामकाज तो उस डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं। और इसीलिए मैंने लिख के भेजा है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में हम ऑफिसरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जिसका स्कीम है वो स्कीम उस इलाके में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक नया सिस्टम इन्होंने निकाला, तो अब सब लोग जब दूर हो रहे हैं उनसे अब सरकारी अफसरों को। मोदी साहब और उनकी सरकार फौजियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उनको जो छुट्टियां मिलते हैं, जो हमारे बॉर्डर पे रहते हैं वो अपने फैमिली के साथ एक खुशी के दिन मनाने के लिए वो आते हैं, अपने बच्चों से, पिताओं से, माताओं से, घर के लोगों को मिलके खुशियां बांट लेते हैं। लेकिन मोदी जी उनको भी नहीं छोड़ा कि वो फौजी वालों को भी, एक तो बॉर्डर पे काम करके थक के आते हैं, दूसरा फिर इन्होंने रथ के प्रभारी बना के भेज रहे हैं। तो ये ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ, शायद ये चुनाव आ रहे हैं इसीलिए ये पांच स्टेट में जो चुनाव हो रहे इसको देखते हुए उन्होंने ये काम किया है। इसके लिए हम बोले कि ये करना ठीक नहीं, उचित नहीं, डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ है और उनको जो
एक यानी मेंटल पीस होना चाहिए, वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now